नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांशु और स्वागत है आपका आज किसी एक और नए वाले वीडियो में। AVTR की ब्रांडिंग इस साइड में, बट सामने आप लोगों को अशोक लेलैंड की ब्रांडिंग भी दिख गई होगी। 28-25 ये रहने वाला है। कैप्टन केबिन में ये लेके आया हूँ आज आप लोगों के लिए। 3 केबिन ऑप्शंस में आता है, स्क्रीन पे आप लोगों के आ जाएंगे जितने भी केबिन ऑप्शंस है उसकी। 28-25 आप लोगों के लिए क्या रिप्रेजेंट करेगा? वैसे तो ये 6x4 वाला टिपर है, 10 चक्का कॉन्फिगरेशन में आ रखा है। 28 टन का GWL आप लोगों के लिए लेके आ जाएगा। 250 HP का इसके अंदर इंजन है जो कि 900 Nm का टॉर्क निकाल देगा। 4 सिलेंडर का इंजन ऑप्शन है और एक 6 सिलेंडर का इंजन ऑप्शन भी है। ए सीरीज वाले इसके अंदर इंजन रहने वाले हैं जो 900 Nm का टॉर्क आप लोगों को बताया वो 1100 से लेकर 1800 RPM पे ही आप लोगों को प्रोवाइड करवा देता है, ताकि आप लोगों को जो एवरेज का फ्यूल कंजप्शन है ना वो मिनिमम हो सके कंपनी के द्वारा, और इंजन पे भी लोड आप लोगों को कम पड़ सके, ताकि इंजन की लाइफ बढ़ सके, आप लोगों के लिए वारंटीज वगैरह ज़्यादा क्लेम ना करनी पड़े। तो इसमें आप लोगों को 6 सिलेंडर 4 सिलेंडर 2 ऑप्शन मिल जाएगा, और सस्पेंशन के तौर पर सेमी इलेक्ट्रिकल पैराबोलिक दोनों ऑप्शन फ्रंट में, बॉगी सस्पेंशन का ऑप्शन पीछे मिल जाएगा। इसी के साथ में 2 ऑप्शन आएंगे आप लोगों के व्हील बेस के लिए। आज मेरे पास खड़ा है 3900 mm व्हील बेस के अंदर, और एक 4600 mm की व्हील बेस में भी आप लोगों को ये ऑप्शन प्रोवाइड हो जाता है। अगर आप लोग इसमें कैबिन टेस्ट लेते हो तो उस पर आप लोग RMC मशीन भी बनवा सकते हो। बाकी कॉन्फिगरेशन डिस्कस करते हैं पास से। इसके पास से एक्सप्लोरेशन की पार्ट शुरू करते हैं इसकी की से, तो की आप लोगों को जैसे देखने को मिलेंगी, एक तो ये स्टार्ट वगैरह के लिए और लॉकिंग वगैरह के लिए मिल जाएगी। एक डेफ का कॉन्फिगरेशन भी है, तो डेफ की भी आप लोगों को अलग देखने को मिल जाने वाली है। फ्रंट फेशिया में चेंजेस आए, देखो फ्रंट में आ गया आप लोगों की हेडलाइट के प्रोटेक्शन के लिए गार्ड आ गया, बम्फर आ ही गया, टो हुक की प्लेसमेंट्स भी आ गई जो कि पिन टाइप वाला है, अच्छी है। और फ्रंट में आप लोगों को और चीज़ें एंटी रोल बार वाला सस्पेंशन देखने को मिल जाएंगे। एयर फिल्टर की प्लेसमेंट इधर आ जाती है, जिसके स्नॉर्कल यहाँ पर आके यहाँ से हवा अंदर ले सकते हैं। स्टेप्स का कॉन्फिगरेशन आएगा 28-25 TN की ब्रांडिंग आएगी। TU भी आता है, TN भी आता है, एक और कॉन्फिगरेशन आता है इसके अंदर। 11 वाले आप लोगों को टायर्स मिल जाएंगे, माइनिंग टायर का ऑप्शन भी आप लोगों को मिल जाएगा, वो आप लोग और डिस्कस कर सकते हो। 11 RPS वाले टायर्स हैं इसमें। आप लोगों को पैराबोलिक सस्पेंशन मिल रहा है फ्रंट में, पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग वाला सस्पेंशन, और ऐसा 4 सिलेंडर वाला इंजन देखने को मिल रहा है। सस्पेंशन वाला आपको कैबिन देखने को मिल रहा है। फेंडर माउंटेड इंडिकेटर आ जाएंगे, स्टेपर्स मैंने दिखाई दिए। यहाँ पे DPF वाला सिस्टम आ जाएगा, डीजल पार्टिकल फिल्टर, रीजनरेशन वगैरह सब कुछ एक साथ ही देखने को मिल जाएगा। 24 लीटर का डेफ टैंक देखने को मिल जाएगा, और उसी के जस्ट नीचे स्पेयर व्हील का प्लेसमेंट आ जाएगी। यहाँ पे ये अपने एयरबॉक्स वगैरह मिलते हैं ही। मार्कर लाइट्स के साथ में ऐसा कुछ चेसिस का कॉन्फिगरेशन है। चेसिस में भी आपको स्ट्रेंथ देखने को मिल जाएंगी। अशोक लेलैंड का खुद का हाइड्रोलिक सिस्टम वाला आपको देखने को मिल जाएगा। केबिन में से हवा बाहर निकलने के लिए ये फिल्टर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। गियरबॉक्स की बात करें तो इसमें आप लोगों को 9-speed फॉरवर्ड वाला गियरबॉक्स मिलता है। इसमें आप लोगों को 430 mm की क्लच मिलती है जो कि अभी नई आई है। उसमें पहले आप लोगों को मिलती थी 380 mm की क्लच, और असिस्टेड तो आप लोगों की क्लच रहने वाला है ही। एक रिवर्स, 9-speed फॉरवर्ड, कुछ कॉन्फिगरेशन ऐसा। रियर में आ जाते हैं थोड़े थोड़े। आज अपने पास में 16 क्यूबिक कैपेसिटी वाली बकेट, और 10 टायर में आ रखा है। बॉगी सस्पेंशन पीछे लेके आया है, ये रहा। और रियर एक्सल्स में 2 ऑप्शन मिलेंगे आप लोगों को। एक तो मिलेगा RAR 5.57 वाला, और एक मिलेगा 7.2 HR वाला कॉन्फिगरेशन। 11 वाले टायर्स ये, पीछे आप लोगों को 8 और 2 सामने टायर मिल जाएंगे। एक स्पेयर व्हील एक्स्ट्रा मिलता है। रियर प्रोफाइल से बात करें, LED में टेल लैंप मिलेंगे। लेलैंड की ब्रांडिंग की आप लोग डाले पर मिल ही जाएगी। बाकी ओपनिंग ऑटोमेटिक वाली है ही, डाला ऊपर गया ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, वो चेन खींच लेंगे। रियर लाइट काफ़ी बड़ी है इसकी, रिवर्स लाइट और रिवर्स पार्किंग हॉर्न तो इसमें आपको मिलता है ही। और ये पार्किंग लाइट आपको रियर वाले तो है ही, स्विच यहाँ पे भी है और पीछे भी है, दोनों ऑप्शन आप लोग प्रोवाइड हो सकते हैं। रियर एक्सल की मोटाई काफ़ी अच्छी है, हैवी ड्यूटी वाली एक्सल है, और 21 टन वाली ये रहने वाली है जो पेलोड कैपेसिटीज इस पर आती है। 21 टन का तो पेलोड है, अब ये आ रखी है 18 TG की। पहले इसमें आप लोगों को मिलती थी 16 TG की जो रियर एक्सल केसिंग्स वगैरह हैं वो,
और यहाँ से कुछ ऐसा है, ये हैं ही लाइट्स वगैरह। और डेंजर डू नॉट वर्क अंडर बॉडी अनसपोर्टेड, क्योंकि इसमें सपोर्ट्स भी आते हैं। ये रहे, यहाँ पे पॉलीमर का फ्यूल टैंक मिलेगा जिसकी कैपेसिटी आप लोगों को मिल जाएगी 220 लीटर की, एवरेज भी डिसेंट है, वीडियो के एंड तक बताएंगे। 24 वोल्ट का बैटरी सिस्टम मिलेगा और हाइड्रोलिक स्टोरेज के लिए टैंक मिल जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोलिक ऑपरेटेड कैबिन टिल्टिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। बैटरी का मास्टर कटआउट यहीं पर मिल जाएगा। अभी चलते हैं कैबिन के अंदर, कैबिन काफ़ी ऊँचा है। ओपनिंग और कॉन्फिगरेशन काफ़ी अच्छा है इसका, और कुछ ऐसा आप लोगों को लिए ड्राइवर साइड का डोर मिलने वाला है जिसके अंदर ब्लाइंड स्पॉट मिरर तो फ्रंट में मिल जाएगा, एक उस साइड में मिल जाएगा। यहाँ पर डबल मिरर का कॉन्फिगरेशन मिल जाएगा। की अपन पहले लगा देते हैं क्योंकि हाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसकी। यहाँ पे सारे ऑप्शन रहेंगे अपने लिफ्टिंग्स के लिए। और अभी चलते हैं अंदर, स्पीकर्स भी हैं इसके अंदर, स्पीकर्स के प्लेसमेंट के साथ में प्रॉपर बड़ा वाला स्टेयरिंग व्हील है। ड्राइवर प्लस वन का कॉन्फिगरेशन सीटिंग में है, वो सीट भी काफ़ी अच्छी है और ये सीट भी काफ़ी अच्छी है। विनाइल अपहोल्स्ट्री में सीट्स मिल जाएंगी, एयर सस्पेंडेड सीट्स का ऑप्शन है जिसके अंदर वेट एडजस्टमेंट आप लोगों को जैसा देखने को मिलने वाला है। और भी चलते हैं, अब लाइट एलईडी मिलेगी इंटीरियर वाली जो कि अपने डोर ऑपरेटेड रहने वाली है। ग्रैब हैंडल यहाँ पर मिल जाएगा और सीट बेल्ट का कॉन्फिगरेशन सीट के अंदर ही मिल जाएगा। इतना बड़ा हाइड्रोलिक असिस्टेड पावर स्टीयरिंग आपको तो देखने को मिल जाएगा। हैंड ब्रेक का कॉन्फिगरेशन यहाँ पे है, 8 स्पीड फॉरवर्ड, एक हाई गियर और एक रिवर्स गियर का कॉन्फिगरेशन मैनुअल शिफ्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो बात आती है यहाँ पे, तो यहाँ पे वाइपर का कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, हेडलाइट के सारे कंट्रोल इधर देखने को मिल जाएंगे। एसी वेंट्स हैं ही सारे केबिन को चिल करने के लिए, एसी कंट्रोल्स यहाँ पे हैं और सिर्फ इसमें आप लोगों को ठंडी एसी का कॉन्फिगरेशन ही देखने को मिल रहा है, सिर्फ एसी ठंडी ही करेगी। दो पोर्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे चार्जिंग वगैरह के लिए। अशोक लेलैंड का खुद का मल्टीमीडिया सिस्टम देखने को मिल जाएगा स्पीकर्स के साथ में। कुछ और डमी स्पेसेस देखने को मिल जाएंगे आप कुछ और लगाना चाहते हो उसके लिए। ये आ गया डिफरेंशियल, ये आ गया इंटरएक्सल और अपने पार्किंग के लिए। और रियर लाइट का स्विच यहाँ पर आ गया, रीजन को ऑफ और रीजन को स्टार्ट करने के लिए स्विच, और एक SOS वाला स्विच भी देखने को मिल जाएगा। और तो इसमें इतने ही बटन है इधर, बाकी स्टीयरिंग व्हील आप लोगों के लिए टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट के साथ मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप लोगों को कुछ ऐसा मिलता है जिसमें सारे कॉन्फिगरेशन आप लोगों को देखने के लिए रखे हैं। ऊपर की बात करें तो यहाँ पे सनवाइजर मिल गया ड्राइवर के लिए, पैसेंजर के लिए भी है। स्टोरेज कंपार्टमेंट भर भर के दिए हैं, डमी स्पेसेस और भी दिए हैं। इसमें कुछ आपको DMS वगैरह फंक्शन देखने को नहीं मिल रहा। यहाँ पे ग्रिप वाली चीज़ है ताकि जो भी चीज़ रखो आप वहाँ से फिसलेगी नहीं। रियर का फंक्शन कुछ ऐसा है और यहाँ पे एक हिडन में कप होल्डर का कॉन्फिगरेशन भी देखने को मिल जाएगा, बॉटल होल्डर भी लगा सकते हो उसकी जगह। वॉक थ्रू वाला केबिन बता सकते हैं अपन इस चीज़ को, गियर आगे है तो आप उधर तो जा ही सकते हो आराम से, कुछ ऐसा है। बाकी वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा ग्लव कंपार्टमेंट, कुछ स्टोरेज स्पेस, और इधर भी दो स्टोरेज स्पेस बड़े देखने को मिलेंगे। हाइट अपनी है 5'11", तो ऊपर का तो कोई टेंशन है ही नहीं, ना लेग रूम में कोई कमी है और ड्राइविंग के लिए भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो सारा सिस्टम रनिंग में आ ही चुका है, तो बिकॉज स्टार्ट की आवाज़ भी सुना देते हैं। तो कुछ इंजन स्टार्ट हो चुका है ऐसा, अभी बकेट भी लिफ्ट करके दिखाई देते हैं। चलो इसको लिफ्ट करते हैं बॉक्स को, तो आपको लिफ्टिंग दिखाते हैं। तो इजी लिफ्टिंग में ये आप लोगों को बॉक्स मिलने वाला है ही। तो ये था आज का एक रिव्यू जो अशोक लेलैंड के 2825 टिपर के ऊपर कैप्टन केबिन के अंदर ये आ रखा था। 4 सिलेंडर के इंजन के साथ में था, इसमें आपको 6 सिलेंडर का एच सीरीज वाला इंजन भी देखने को मिल जाता है। 250 HP की पावर निकलती है, 900 Nm टॉर्क निकाल देता है, 430 mm की क्लच के साथ में, 9 स्पीड का गियरबॉक्स ये लेके आ जाता है। 46, 48, 64 तीन टाइप की ये ग्रेडेबिलिटी सपोर्ट करवा देता है। ABS ASA ब्रेक्स के साथ में आता है। 28 टन का GVW आ ही जाता है। 3 से 4 km/L की एवरेज भी निकाल देता है। 14 क्यूबिक मीटर, 16 क्यूबिक मीटर, 18 क्यूबिक मीटर, 20 क्यूबिक मीटर की तीन टाइप की बकेट कैपेसिटीज मिल जाती हैं इसके अंदर। और आप लोगों के लिए
ये आज का वीडियो था। होप आप लोगों को पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बता देना ये वीडियो कैसा लगा और कौन से आपको फ्यूचर में वीडियोस देखने हैं। बाय करने के लिए कॉन्टेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।